जी नमस्कार, मैं हूं सन्नी प्रजापति और आप देख सकते हो कि आज संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आज महंगाई के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया जा रहा है सरकार के खिलाफ। और जिस तरीके से लगातार महंगाई अपना पांव पसारती जा रही है, जिस तरीके से पेट्रोल डीजल रसोई गैस सरसों के तेल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी आ रही है, तो आप देख सकते हो कि उस महंगाई के खिलाफ आज यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले यहां पर बस स्टैंड से, नए बस स्टैंड से ये मोर्चा, ये प्रदर्शन जो है शुरू हुआ है और अंबाला रोड तक चलेगा। अभी हम इनसे बातचीत भी करेंगे कि ये प्रदर्शन जो महंगाई के खिलाफ जो कर रहे हैं, अभी हम इनसे भी जी बेनीवाल साहब, जो आज प्रदर्शन निकाला जा रहा है, इससे आप सरकार को क्या संदेश देना चाहते हो? हम ये संदेश देना चाहते हैं, 100 दिन का वादा किया था मोदी सरकार ने कि 100 दिन के अंदर महंगाई कटाएंगे। स्मृति ईरानी कहती थी कि महंगाई कटवाएंगे, अक्षय कुमार कहते थे और बाबा रामदेव कहता था, इसी तरह ये चिल्ला चिल्ला करके कहते थे 100 दिन में महंगाई कटाएंगे। लेकिन महंगाई कटाने की बजाय ये 100 गुना महंगाई बढ़ा दिया, जिससे जनता का हर वर्ग त्रस्त है। आज हम संयुक्त किसान मोर्चे के बैनर के नीचे महंगाई के विरोध में आज ये अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मोदी सरकार को ये बता रहे हैं कि आज जनता पूरी तरह दुखी है, निराश है, ये सरकार महंगाई घटाने में पूरी तरह विफल हुई है, इसलिए मोदी और खट्टर को इस्तीफा दे देना चाहिए। बेनीवाल साहब, जिस तरीके से संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर प्रदर्शन निकाला जा रहा है, तो वहीं पर देखा जा रहा है कि किसानों के बीच में फूट भी दिखाई दे रही है कि भाई कोई तीतरा मोड़ पे बता रहा है प्रदर्शन करेंगे, कोई पेवा चौक पे कह रहा है। किसानों का ही ये संदेश था, तीतरा मोड़ के ऊपर भी प्रदर्शन करेंगे, कल्यात में भी प्रदर्शन करेंगे, भूला चीका में भी प्रदर्शन करेंगे और कैथल में भी प्रदर्शन करेंगे, कोई फूट नहीं है। एक ही आह्वान के ऊपर आज विरोध प्रदर्शन है, एक ही विरोध के ऊपर। आप देख सकते हो फिलहाल जो है संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन, आप देख सकते हो तस्वीरों के माध्यम से, हाथों में प्लेट है, चम्मच है और बैनर हाथ में है और बैनर पर लिखा जो है महंगाई बढ़ती हर रोज अंबानी अंडानी की पूरी मोर, और हाथों में जो है भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी ग्रुप के झंडे भी आप देख सकते हो। और जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पर किसान आज मौजूद हैं, रोष प्रकट कर रहे हैं महंगाई के खिलाफ। एक और पुलिस बल भी वहाँ पर मौके पर मौजूद है, कहीं स्थिति बेकाबू ना हो जाए, इस प्रदर्शन में स्थिति को काबू करने के लिए पुलिस बल भी मौके पर जो है तैयार है। लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो सीधी लाइव तस्वीरें, आप कैथल के नए बस स्टैंड से ये प्रदर्शन शुरू होता हुआ देखा आपने और ये अंबाला रोड तक जाएगा। लगातार महंगाई को लेकर अलग अलग राजनीतिक पार्टी, अलग अलग संगठन प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन फिलहाल आप देख सकते हो कि नारों के माध्यम से सरकार तक ये गूंज पहुंचाने की कोशिश की जा रही है कि महंगाई को लेकर के सरकार अपना रवैया बदले, अपनी नीतियां बदले। लेकिन फिलहाल जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भारतीय जो किसान, जो संयुक्त मोर्चा के बैनर के तले ये प्रदर्शन निकाला जा रहा है, आप देख सकते हैं कि किसानों के आह्वान पर, हालांकि अलग अलग जगह ये प्रदर्शन किया जा रहा है, तीतरा मोड़ पर भी, पेवा चौक पर भी, जिस तरीके से हमें सूचना मिली, ये सवाल पूछा कि कहीं फूट ना हो, तो इनका कहना ये है कि फिलहाल जो है सर छोटू राम की प्रतिमा के नीचे ये किसान जो है खड़े हो चुके हैं और थाली, चम्मच और सिलेंडर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लगातार महंगाई आम जनता की कमर तोड़ने का काम कर रही है। तो आप देख सकते हैं कि सीधी लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं कैथल ब्रेकिंग टीवी के माध्यम से। एक मिनट रुक जाओ, मैं बंद कर दे, रण दे आओ, मैं बंद कर दे, 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 मैं बंद कर दे
अरे रुक जाओ, क्या मुद्दा है सर आज का? आज महंगाई का मुद्दा है। केंद्रीय संयुक्त किसान मोर्चे ने जो पेट्रोल के, डीजल के, गैस के, दाल के, सब्जी के, आटे के, कपड़े के, चाहे किराए लाइसेंस फीस है और चाहे कहीं भी प्लेटफार्म है, उसके ऊपर जो टिकट 5 रुपए की लगती थी 20 रुपए के, जनता का मोदी सरकार ने कचुंबर निकाल दिया, उसको लेके आज पूरे भारत वर्ष के अंदर ये विरोध प्रदर्शन है। और जनता का आज जो दायरा है, जनता की जो औकात है, वो महंगाई के आके समर्पित हो चुकी है। तराई तराई मची हुई है देश के अंदर, भूखमरी, बेरोजगारी फैलती जा रही है, उसके विरोध में आज संयुक्त किसान। फिलहाल आप ये प्रदर्शन देख रहे हो और इस खबर के अंदर कुछ भी आपको नई जानकारी मिलेगी तो हम आप तक पहुंचाएंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ एकजुटता बनाते हुए देश में बेलगाम बढ़ते महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन में शामिल। आप देख सकते हो कि जन संघर्ष मंच हरियाणा, मनरेगा मजदूर यूनियन, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। जी, आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम कॉमरेड फूल सिंह है जी। और मैं जन संघर्ष मंच हरियाणा का स्टेट प्रेसिडेंट हूँ। आज ये जो किसान आंदोलन है, संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरे देश के अंदर एक देशव्यापी प्रोग्राम किया है। हम जितने भी संगठन हैं, मजदूर संगठन है, किसान संगठन है या और दलित संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सभी आज इस कार्यक्रम का पुरजोर समर्थन कर रहे हैं। और सरकार की नीतियों का, जो महंगाई बढ़ रही है सब लगातार, गैस के वो रेट बढ़ा दिए, इससे पहले पेट्रोल और डीजल के रेट जो लगातार इस देश के अंदर बढ़ाए जा रहे हैं, देश की आम जनता को जीना दूभर हो गया है। हमारा ये कहना है कि ये सरकार, ये मजदूर विरोधी सरकार है, ये किसान विरोधी सरकार है, ये कर्मचारी विरोधी सरकार है, ये सभी जितने भी आम जनता है, संविधान विरोधी सरकार है। तो हमारा कहना है कि जो हमारी मांगे हैं, तमाम मांगे जो लगातार हम कर रहे हैं, 7.5 महीने से किसान धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, चाहे वो दिल्ली में ऑर्डर पे है, चाहे वो पूरे पंजाब में, हरियाणा में और यूपी में है, सब जगह है। तो आज उनकी मांगों का प्रजोर समर्थन करते हुए जन संघर्ष मंच हरियाणा, मनरेगा मजदूर यूनियन और निर्माण कार्य मजदूर मिस्त्री यूनियन पुरजोर समर्थन हमारा कर रही है। तो सवाल है कि कभी ये जो मांगे हैं, हमारी मांगे, हम सरकार से मांग करते हैं कि 7.5 महीने होने के बावजूद भी सरकार टसमस से हो रही है, इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार ये पूंजीपतियों की है, ये सरकार हमारी नहीं है, ये सरकार मजदूरों की नहीं है, ना किसानों की सरकार है, इसको तुरंत नीचे आना चाहिए। आपका क्या कहना है सर? हमारा कहना ये है कि जो ये लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, रोजगार खत्म किए जा रहे हैं, खेती का उजाड़ा जा रहा है और महंगाई दूसरी ओर महंगाई बढ़ाई जा रही है। एक देश में एक टैक्स की बात की जा रही है, लेकिन पेट्रोल डीजल को जीएसटी से बाहर करके जनता पर बुरी तरह से हमला बोला जा रहा है और आज पेट्रोल डीजल पर 200-300% महंगाई है। तो इस वजह से आज किसानी की जितनी भी जरूरत की चीज़ें हैं वो सारी महंगी की जा रही हैं, खाने की चीज़ें हैं, तेल हैं, वो सब महंगे किए जा रहे हैं, दालें हैं वो महंगी की जा रही हैं और जनता की आमदनी लगातार घट रही है, रोजगार छीने जा रहे हैं। तो हमारे साथ यहाँ पर युवा किसान भी मौजूद है, नाम क्या है सर आपका? मेरा नरेंद्र गांव भागो माजरी जी। क्या कहना है आपका? हम ये कहना चाह रहे हैं, इस गूंगी बहरी सरकार को हमें जगाना चाहते हैं, जो आज यू छोटा सिलेंडर भी निभर दागत है, अपना बड़ा भर जिगरा था, हर तरफ इन्हें भ्रष्टाचार, महंगाई और किसान एक MSP की मांग है, उसने कुछ इग्नोर कर रहे हैं, इतना टाइम तक इनके विरोध कर इनके गोडे टिक जाएंगे सरकार वाले, इनका पूरा डट के विरोध। मेरा कहना है जी, बीजेपी वाले कहे करते भाई बहुत सैली महंगाई की मार अब के मोदी सरकार, लेकिन इन्होंने कांग्रेस सरकार को भी फैल कर दिया, 7 साल के अंदर दुगने रेट बढ़ा दिए हर चीज के, डीजल के, पेट्रोल के और गैस सिलेंडर के। गैस तो गरीब आदमी को भी चाहिए रोटी पकाने के लिए, आज ये थाली ले रहे हैं हमारे किसान भाई, इसके अंदर रोटी रखने का, खाने का ब्योत नहीं रह रहा किसान का, सिर्फ थाली पीटने जो की छोड़ दिए इस बीजेपी सरकार ने। हमारा यही है भाई, केंद्र सरकार जो बढ़े हुए रेट है डीजल के, पेट्रोल के, गैस के, वो वापिस करे और जो ये 3 काले कानून लगा गया किसानों पर, इनको भी वापिस करे और MSP कानून। बीच में भी फूट की बातें लगातार सामने आ रही है, आपके इस पर क्या कहना है? ये तो देखिए, कोई फूट नहीं है, कोई पितृ मोड़ पर बस कर रहा, कोई चौक पर, कोई कल्याण, कोई खड़ग पांडव, कोई दिक्कत नहीं है, किसान एक है
और एक रहेंगे किसान मोर्चा यहाँ पर है जो महंगाई के ऊपर दो घंटे का प्रदर्शन करना है। आज पेट्रोल क्या रेट है, डीजल क्या रेट है, गैस क्या रेट है, सरकार ने रोटी खाने पर दुर्बल कर दिया है आम आदमी को और गरीब आदमी चूल्हा जलाने के लिए मजबूर कर दिया है। इसलिए बड़े लीडरों ने, हमारे किसान नेताओं ने, संयुक्त किसान मोर्चा ने ऐलान किया अभी जनता को दिखाएं महंगाई कहां पर है। 2012-13 में कच्चा तेल 150 बैरल था और आज 40 रुपये बैरल है कच्चा तेल, और मैं तेल का रेट क्या 100 है, उस टाइम 65 रुपये लीटर तेल था, तो कैसे जीना, गरीब आदमी कैसे जी सकता है। कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि जो किसान आंदोलन की वजह से जो टोल बंद पड़े हैं उसकी वजह से भी 2000 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है, कहीं ना कहीं वो निकाल रहे हैं। अगर सरकार को इतना घाटा दिखता है तो MSP पे लिख के कानून बना दो, हम अपना आंदोलन वापस ले लेंगे। अगर इतना घाटा दिखता है सरकार को, किसान का घाटा नहीं दिखता उसको, फसल आधे भाव बिकती है, किसान फांसी खाने का बोलता है, ब्याज पे ब्याज चल रहा है किसान पे। आपका क्या कहना है सर? नाम? मैं अनिल गुजर, गांव बलवंती। आज देश का हर वर्ग हर समाज सड़कों पे है और देश कंगाल हो चुका है। मोदी जी देश के संस्थान को बेच के देश चला रहे हैं, लेकिन बेच के फिर भी देश नहीं चल रहा है, क्योंकि मोदी देश को चलाने के लिए पॉलिसी नहीं बना पा रहा है। कच्चा तेल की कीमत बहुत कम है, ये एक्साइज ड्यूटी इतनी ज़्यादा बढ़ा दी ने, पेट्रोल पे 3.5 रुपये एक्साइज ड्यूटी थी, अब 24-25 रुपये है, डीजल पे 26-27 रुपये है, सरकार कमाई कर रही है अपनी तेल की कीमतों को बताकर। ये आप देख सकते हो कि चाहे वो कच्चा तेल हो चाहे वो पक्का तेल हो, लगातार महंगाई देखी जा रही है और आप देख सकते हो पुलिस बल मौके पर मौजूद है और एक तरफ किसानों का प्रदर्शन जो है जारी है। नाम क्या है सर आपका? मेरा शुभ नाम सुरेंद्र है भाई साहब, गांव मानस है। अच्छा जी, हाँ जी। क्या कुछ कहना चाहोगे आप प्रदर्शन में शामिल हो, क्या विचार? ये जो बढ़ती हुई महंगाई है भाई साहब, इसके इस पर रोक लगनी चाहिए। जो आम गरीब जनता है वो आने वाले दिनों में खाने के लिए कंगाल हो जाएगी भाई साहब, इतनी महंगाई को हम झेल नहीं पा रहे। जो हमारी किसान की खेती है उसको भी सरकार नोच के खाने की कोशिश कर रही है। किसान मोर्चा जिंदाबाद, और किसान के आह्वान पर ही हम आए हैं भाई साहब। जो बढ़ती हुई महंगाई उसको रोको, जो आने वाले दिन है, आने वाले बच्चे हमारे, ताकि कल को आराम से रोटी खा सके, ठीक है। अगर हमारी ये जो खेती है और महंगाई है ऐसे ही नोच नोच के सरकार खाती रही तो आने वाले दिनों में खाने के लाले पड़ जाएंगे। किसान मोर्चा जिंदाबाद, किसान। आप देख सकते हैं किसान मोर्चा जिंदाबाद के नारे लगातार आपकी कानों तक पहुंच रहे होंगे, लेकिन यही नारे सरकार तक पहुंचे इसीलिए यहां पर प्रदर्शन किया गया है। और आप देख सकते हैं किस तरीके से आज यहां पर संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले ये प्रदर्शन, ये रोष प्रदर्शन सरकार के खिलाफ जो है निकाला गया है। और आप देख सकते हो कि ये जो है नए बस स्टैंड से शुरू हुआ प्रदर्शन अम्बाला रोड तक चलेगा, पुलिस बल मौके पर मौजूद है। और आप देख सकते हैं ये लहराते हुए बैनर और फ्लैक्सों पर लिखे नारे। सरकार तक सीधी सी बात ये है कि सरकार इन प्रदर्शनों को देखते हुए महंगाई कम करे, सरकार अपना रवैया बदले। इस खबर के अंदर कुछ भी जैसा भी नया होता है वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और बने रहे आप हमारे साथ, देखते रहे कैथल ब्रेकिंग टीवी। मैं हूं कैमरामैन सुरेंद्र भाल के साथ सन्नी प्रजापति।